हेलो व्यवर्स वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स इन दिस वीडियो मेड फॉर लेट्स सी हाउ हर जनवरी नेक्स्ट ईयर द फर्स्ट मंथ ऑफ 2023 जनवरी हाउ इट विल गो शनाज स्किल के लिए जनवरी का महीना कैसा है लेट्स सी आने वाला जो साल है नया साल है शनाज स्किल के लिए फैंस जानना चाह रहे हैं ये बहुत सारे फैंस है जानना चाह रहे हैं कि मैं इसमें नेक्स्ट मंथ के लिए देखूं डिवाइन एनर्जी से क्या मैसेजेस हैं क्या होगा शनाज के साथ मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज बताएं शनाज गिल के साथ जनवरी के मंथ में क्या क्या होने वाला है आने वाले नए साल में जनवरी के फर्स्ट मंथ में क्या होगा उनके साथ के साथ। शनास्किल की अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में इनका यहां दिख रहा है कि आ, इनकी किस्मत चेंज होगी काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं और ये एक होता है ना कि चक्र किस्मत का जो जो चक्र होता है वो चेंज होगा एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं इनके पास और एंजल्स इनको ब्लेस कर रहे हैं इनकी किसी मेल पर्सन से तू तू मैमें हल्की सी हो सकती है जो कि एक बहुत ही जनरल सी एक कोई चीज़ दिख रही है बहुत मेजर कोई ख़तरे वाली बात नहीं है इनको स्टार बनने से कई लोग जो है वो विरोध कर सकते हैं एक जो मुकाम होता है एक एक्ट्रेस के लिए कि एक मुकाम तक पहुँचें वहाँ तक पहुँचने में इनको कोई जो है रोक सकता है जैसे होते हैं ना कि राहु टाइप्स के लोग परेशान कर सकते हैं इनको जैसे होता है ना अपने रास्ते से हटाना ये चीज़ इनके साथ हो सकती है स्टार बनने से रोकना स्टार तो ये ऑलरेडी एक उसमें दिख रहा है कि ये जनवरी के महीने में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा स्टार की तरह भर के ये आएंगे काफ़ी अच्छा है एक स्टेटस इनका वुमेन का जो स्टेटस होता है वो इसमें बढ़ता नज़र आता है इनको राहु का उपाय अगर करवाया जाए तो बहुत अच्छा है ताकि किसी भी तरीके से माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो और इस तरह के जो लोग होते हैं परेशान करने वाले वो ज़्यादा सफल ना होने पाए और इनको जब वुमेन का स्टेटस मिलेगा मुझे लगता है ये शायद ये कर रही होंगी उपाय क्योंकि इसमें बाद में ये दिख रहा है कि इनको एक जनता जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार देगी इनको पब्लिकली स्टेटस एक मिलेगा वुमेन का स्टेटस जो एक इज्जत होती है वो इनको मिलेगी जिसकी वजह से ये काफ़ी पीसफुल सिचुएशन महसूस करेंगे माइंड में पीस दिख रहा है इनके ये भी दिख रहा है कि परिवार से बहुत सपोर्ट इनको मिलेगा परिवार मैनेज करने में सफल हो पाएंगी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ समय भी बिता सकती हैं इसमें ये भी मैसेज आ रही आ रहा है कि ये फैमिली की प्लानिंग भी कर सकती हैं आगे के लिए अपने परिवार वालों के साथ बैठ कर के जो कि एक अच्छी चीज़ दिख रही है परिवार में इनके जितने भी जो बच्चे हैं स्पेशली शनाज अगर कुछ उनको गिफ्ट करती हैं शुक्र को तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें भी मैसेज आ रहा है कि इससे जो है पुराने इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो भी हैं अगर ऐसा ही करती हैं तो खत्म हो जाएंगे ये सब कुछ मैं इसमें और देखूंगी रिक्वेस्ट करूंगी डिवाइन एनर्जी से यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे और मैसेज करें शहनाज के लिए कि जनवरी में इनके साथ क्या क्या होगा दिमाग में तरह तरह की चिंताएं बहुत घूमेंगी और जैसे कि मैंने बताया था कि कंफ्यूज रहेंगी किसी कंफ्यूजन का कार्ड या कंफर्मेशन दे रहा है कि ये शी विल कंफ्यूज पैसे के मामले में फाइनेंशियली थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती है और ये थोड़ा सा जिद्दीपन भी इसमें दिख रहा है कि थोड़ी जिद्दी हो सकती है पैसे के मामले में कि नहीं आ, इन्वेस्ट करना ही है और कंफ्यूज रहेंगे करें कि नहीं करें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें ये चीज़ है इनको अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है पैसे इनके खर्च होंगे जनवरी में काफ़ी इसमें दिख रहा है ये देख नहीं पाएंगी कि पीठ पीछे इनके कितने पैसे चले गए इनको यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि इनके जॉली नेचर का कई लोग जो है फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं इसलिए तो थर्ड टू थर्ड परसेंट से ये बच के रहें कोई जना से इनका अपना फ़ायदा ना निकाले इस चीज़ से इनको ध्यान रखना चाहिए बाकी स्ट्रोंग पर्सनैलिटी है जनवरी के मंथ में ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह की स्ट्रोंग रहेंगी और uh, मनस्थिति काफ़ी स्ट्रोंग दिख रही है इनकी और अगर ये अगेन अपने से छोटों को कुछ दान करती हैं कुछ उनकी हेल्प करती हैं किड्स की या एनिमल्स की जो जो कमज़ोर वर्ग जो होते हैं जो uh, उनकी अगर ये हेल्प करती हैं कुछ दान करती हैं तो इनके काफ़ी काम जो है वो आसानी से पूरे हो सकते हैं किसी के सामने इनको गिड़गड़ाना नहीं चाहिए जनवरी के मंथ में हेल्प या सपोर्ट के लिए नहीं मिलेगी इनको हेल्प सपोर्ट अपने बलबूते पे ही काम करें तो ही अच्छा है जनवरी के मंथ में यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है लास्ट में मैं एक बार और देख लेती हूँ कि इसमें इनका और क्या डिवाइन अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं इनको आ, अगर ये मून स्टोन अपने पास रखेंगी तो अच्छा है और ये एक ऐसी यूनिवर्स इनको एक ऐसी शक्ति दे रहे हैं जैसे कि मदर नेचर इज़ गिविंग अ वेरी पावरफुल नेचर रिलेटेड टू द फीमेल इनके पास ऐसी फेमिन शक्ति दिख रही है डिवाइन फेमिनिन शक्ति इनके अंदर है जो कि यूनिवर्स इनको प्रोवाइड कर रही है जो कि अच्छा मुझे लगता है इनका और बहुत अच्छा होगा इमोशनल रहेंगे लेकिन थोड़े से इमोशंस में आके डिसीशंस ले सकते हैं और इसमें भी दिख रहा है कि मून स्टोन अपने पास रखें सुरक्षा के लिए इसमें भी है कॉस्मिक एनर्जी से ये कहीं कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन करते हैं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कंटिन्यूड रखें मेडिटेशन को कंटिन्यू रखने से ये अपने आप को एक्चुअली पहचान पाएंगे चीज़ों को ना देख पाएंगे कि हाँ क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ अच्छी है इनको इन, इनकी इंट्यूशन इनको बताएगी और अगेन सोल अवेकनिंग का मैसेज आ रहा है अपने आप को पहचाने नो no डाउट अपने आप को जाने समझें क्या चीज़ इनके ज़िंदगी में ज़रूरत है क्या चीज़ ज़िंदगी में इनके ज़रूरत नहीं है वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द रिलेशनशिप चाहे वो संबंधों से रिलेटेड हो चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो इनको अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को ज़रूर से सुनना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए कॉस्मिक एनर्जी से थोड़ा सा कनेक्ट करके अपने आप को चलेंगे तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे बाकी इनके लिए जो क्रिस्टल आ रहा है वो एमिस्ट है एमिस्ट यूज़ कर सकते हैं या मून स्टोन भी अपने लिए ये यूज़ कर सकते हैं आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर द शनास्किल एंड फॉर द फैंस ऑल्सो सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच